खाना रखा जाता था कि शिवेत तो और मैं अलग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं या फिर इवन अगर ट्रैवलर है जिसमें सारे बॉयज ट्रैवल करते थे उसमें भी हम अलग जाते थे हेलो एवरीवन वेलकम टू ई टाइम्स टीवी आई एम आराधना एंड टुडे वी हैव विद अस द मास्टरमाइंड ऑफ स्प्लैटविला 15 somebody who has been winning hearts with his smile and somebody who knows how to play the game right दिग्विजय विद अस हेलो दिग्विजय हाउ आर यू

और स्प्लिट फिल्म आने से पहले एक ही माइंड में चीज चल रही थी कि भाई कुछ भी हो जाए ये शो जीत के ही यहाँ से निकलना है कोई और ऑप्शन नहीं है एंड आई टू गिव माय हंड्रेड परसेंट एवरी सिंगल टाइम मैन दर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था आपने रोडीज को मेंशन किया आप रोडीज में इनिशियली hmm. जब ऑडिशन वाला राउंड था तो आपको पहले तो रिजेक्ट कर दिया था एंड देन एवरीबॉडी हैड प्रेस द बजर फिर आपको मिड जर्नी में निकाल दिया तो बैक देन डिड यू थिंक कि आप स्प्लिट्स वाला में आओगे एंड योर जर्नी विल बी सो ग्रेट लाइक माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम पी आई एंड पी आई में इट वॉज लाइक दो रेड बजर्स मिल गए थे तीन में से वी नीडेड एटलीस्ट टू ग्रीन बजर्सेड बट वहां पर पहले दो रेड बजर्स हो गए तो उस टाइम लाइक अब क्या होगा दो रेड बजर्स आ चुके अब सिलेक्ट होने का कोई चांस नहीं है बट देन आई चेंज थिंग्स अराउंड एंड उसके बाद तीनों जजेस ने मेरे को सिलेक्ट किया लाइक आफ्टर नोइंग मी यू नो एक चीज होती है कि कभी कब आ रहा है ना जो

बाकी जो रोडीज थे वो काफी ज़्यादा जेलस हुई प्रिंस द ओजी ऑफ़ उनसे इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट लेना तो उस से वो कभी नहीं हुई। आके मिड जर्नी में उन्होंने uh, तो well, well, like, जान जाता है कि टास्क कौन अच्छे परफॉर्म करना है परफॉर्मेंस कौन अच्छी दे रहा है एंड उसके बाद एंटरिंग इन लाइक डायरेक्टली मैं एंटर भी नहीं हुआ स्पेट्सोला में आई वॉज इन एक्साइल तो उस टाइम भी आई वाज लाइक में क्योंकि जर्नी काम रियली ग्रेटफुल जो इतने सारे चाहने वाले हैं और इतना ज्यादा जो प्यार दे रहे हैं लाइक समटाइम्स इट रियली फील्स लाइक एक साल पहले ही हमारी रोटीज की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से लगभग जो था एंड एक साल बाद आज

Uh, भाई वो कहां पे है मतलब फर्स्ट डे तो ऐसा नहीं होता कि उर्फी आएगी स्प्रिटा में एंड फिर जब वो एक्साइल का बोर्ड जब हमें दिखा तो आई वाज लाइक ये क्या चल रहा है भाई पे कहा पहुंच गए हम आई वाज शॉक्ड बट एंड एंड में में उस दिन ही जब शूट एंड हुआ तो लास्ट में एक उर्फी की लाइन थी कि यू आर वन स्टेप क्लोजर टू तो देन आई वॉज लाइक रिलीव की ठीक है इट्स जस्ट वन स्टेप तुझे प्रिपेयर रहना ना कभी भी स्प्रिट्स एंटर कर सकते हैं एंड ट्विस्ट एंड टर्न इतने ज्यादा गेम में होते हैं तो you have to be mentally aware throughout the time. so it was that कि हाँ मैं स्पर्शला जल्दी जाऊंगा एंड आई एम गोना रूल इट वो एक बिलीफ माइंड में डेफिनेटली चल रहा था. so talking about ruling it, you are doing it pretty well because जो last okay. session था, you were the only one जिसने actually जैसे sunny मैम ने uh, bola ki he uses his brain. तो आपने अपने friend को बचाने के लिए you did what you had to do, but then the contestants called you clipper. चल रहा होता है तो आई फेल्ट की वो फ्लिपर वाला कोई पॉइंट नहीं था वहां पे देव और खनक उनके फ्रेंड्स थे मैंने देव के लिए वर्ड दिया था की आई विल नॉट वोट अगेंस्ट देव मैं नहीं करूंगा तुम लक्ष्य के अगेंस्ट मत करना एंड देर नॉट स्मार्ट कि वो uh, खनक के लिए भी वर्ड लेते मुझसे एंड अगर शायद खनक के लिए वर्ड लेते तो शायद चेंज हो जाती क्योंकि आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स अगर मैं जो बोलता मैं वही करता ये नहीं होता कि मैं गेम के लिए फ्लिप कर जाऊं या ऐसा हो जाए ऐसा चीजें नहीं होती है एंड रही बात ये गेम दिमाग से खेलने की रोडीज मैंने पूरा अपना कंप्लीटली दिल से खेला था लाइक like, दिमाग भी चलता था बट इट वाज लाइक एटी परसेंट दिल एंड ट्वेंटी परसेंट माइंड तो वहां पे मैं मिड जर्नी में बाहर हो गया था तो एक चीज बाहर आके ये थी कि भाई जब पूरा तुम तुम साफ दिल से गेम गेम खेलते हो ना तो तो शायद तुम उतना आगे आगे नहीं पहुंच पाते क्योंकि यहां पे बहुत लोग अपना दिमाग यूज़ 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 करके गंदी करके में आगे जाना चाहेंगे यू हैव टू टू योर ब्रेन चल रही थी आपने सीजंस भी देखे होंगे MTV, कहा चीज ठीक होगी या नहीं होगी मतलब आई डोंट के अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ बस जो मेरे में, मेरे मन में आएगा मैं वो करूंगा इट वॉज जस्ट दैट एंड वही मैंने रोडीज में किया था तो इट हेल्प मी तो ऐसा कुछ नहीं था की मेरे को इसकी तरह खेलना है उसकी तरह खेलना है

जब मैंने ऑडिशन दिया था का, तो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक्स की एंट्री हो uh, क्योंकि पास सीजन जो कि मैंने थोड़ा बहुत फॉलो किया है उसमें मैंने देखा है कि भाई बीच में मिड सीजन में कोई एक्स को बुला देते हैं ऐसा कुछ हो जाता है एंड जैसा मेरा ऑडिशन चल रहा था आई वॉज फीलिंग लाइक मेरे ऑडिशन से ज्यादा लाइक like, मेरी एक्सेस वगैरह का ऑडिशन चल रहा है की उनका क्या क्या सीन रहा है मेरे साथ या इस से मैं ज्यादा अफेक्ट अपनी रियल लाइफ में तो आई एक्सपेक्टिंग इट बट ऐसा नहीं पता था कि ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा कि एक्साइल होगा और दस लोगों के दस एक्सेस होंगे तो दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग एंड वहीं एक्साइल में जिस दिन उसकी एंट्री होती है दैट वेरी शॉकिंग मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो वो, वो यहाँ आ जाएगी फर्स्ट डोम में डंप हो गए लाइक like, अगर अगर आप एक्सपेक्ट कर भी लो ना तो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे होते हैं

को अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग गेम खेलती है एंड मेरे अकॉर्डिंग चल लेती है बट वो उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता है एंड कहीं ना कहीं मैं भी दिल में खुश नहीं रह पाता कि जस्ट बिकॉज ऑफ द गेम मैंने उसे यूज कर लिया तो वो मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया बट डेफिनेटली वन थिंग कि शी हैज माय पास्ट एंड कोई ठीक है बुरी चीजें भी हुई हैं अच्छी चीजें भी हुई हैं बट मैं कभी भी उसका बुरा नहीं चाहूंगा आई वुड वॉन्ट कि वो गेम में आगे जाए एंड वो भी अच्छे से ये गेम को खेले चाहे किसी और के साथ कनेक्शन बना के तो टलीट करेक्ट दैट इज डेफिनेटली समथिंग जो फैंस ने भी बहुत प्रेज किया even though are excess, और अपने शो में उन्नति के साथ कनेक्शन बनाया बट देन आकृति जशवंत वो लोग कॉन्स्टेंटली देवर से यू आर नॉट लॉयल टू हर यू आर बिट्रेइंग हर टॉकिंग शेट अबाउट हर बिहाइंड

कि भाई ये क्यों आइडियल मैच बन गए क्योंकि दे वॉज ऑफ अस ऑनेस्टली एंड वो कहीं ना कहीं हमेशा चाहते थे कि भाई हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाए इवन ऑफ कैमरा बहुत बार ऐसी चीजें होती थी नॉट जस्ट आकृति जसवंत बट बाकी जो पुराने स्प्लेट, uh, मतलब स्प्लेट में जो लोग थे वो बैठ के उन्नति को ब्रेन वॉश करते रहते थे कि भाई ऐसा है दिख विजय नहीं करेगा ये कर देगा दिख बुझे वो कर देगा बट इन दी एंड रात को मैं उससे आराम से जब बैठ के बात करता लाइक डेली इट यूज टू हैपन डेली लाइक नॉट इवन अ सिंगल डे जब मैं सुहा उन्होंने ना Uh, मेरे अगेंस्ट उन्हें भड़काया हो बट रात में बैठता था उसके साथ आधा घंटा उसे समझाता था मगर जस्ट ट्रस्ट मी मगर जस्ट ट्रस्ट मी तू टेंशन मत ले मैं जो भी हो पाएगा गेम के लिए एंड आई जनरली लाइक लाइक वो शायद शो पे उतना ज्यादा ना दिखे बट ऑफ कैमरा जब हमारी बात होती थी तो वो कहीं ना कहीं एक जेनुअन फीलिंग्स दोनों की तरफ से मुझे फील होती थी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ कुछ कुछ चीजें आप आपको किसी की नहीं पसंद आती आपको हर एक इंसान पूरा तरह शायद स्टार्टिंग में ना पसंद आए कुछ कुछ चीजें होंगी आपको कि यार ये चीज कुछ अलग लगी यू नो मिस थ्रू बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द पीपल थिंग्स तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज होती रहती थी बट एक चीज जो हमारे बीच में बहुत अच्छी थी वो थी ट्रस्ट इस वजह से लोग भी ये हमारा बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाए करेक्ट

स्पेशल इस वजह से होगी क्योंकि हमें अपना सोलो टाइम मिला एंड गेम वगैरह भूल के मैं आराम से उससे बैठ के उस टाइम बातें कर सकता था लाइक like, ये बातें मैं ऑफ कैमरा भी उससे बहुत ज्यादा किया बट वो ऐसा था कि कैमरे पे वो बहुत ज्यादा आया एंड वो एक दो तीन घंटे ऐसे थे कि मैं सब गेम में भूल चुका था एंड फाइनली मतलब एक रिलैक्स होने वाली फीलिंग होती है ना वो उस डेट से आई थी एंड दैट वॉज क्वाइट स्पेशल इवन वो डेट वाली चीज मैं बहुत बार देख चुका हूँ टीवी पे भी उन्नति को मैं बताता हूँ लाइक दैट वॉज एन अमेजिंग डेट था आकृति है तो आकृति ने सर्ट एन समे मतलब आपने बोला की she had called you and said certain something but usne completely deny kar diya and she was like you are lying and later on bhi usne sachin ko bola you should trust me he is lying he is lying so what do you have to say about that तो uh, ये कुछ लोगों को अभी भी लग रहा है कि I call uh, she called me and said that but ऐसा नहीं हुआ था first episode we were watching together at uh, Shyamaldas place तो वहाँ पे uh, things happened and वहाँ पे उसने आगे कान में मुझे ऐसा बोला था तो call पे ऐसा नहीं हुआ था कहीं मेंशन भी नहीं किया कि ऐसा कॉल पे बात हुई थी और uh, कि उसने, एक बार भी, uh, मतलब, तो उसने बहुत बाद में बोला पहले सी स्टार्ट सच बोल दिया सबके आगे बट उसने ये नहीं देखा कि एक डेढ़ घंटे से वो इतना ज्यादा यू you नो know, सचिन के पीछे पड़े हुए हैं पड़े हुए हैं उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि तूने ये किया तूने वो किया इवन आकृति के अलावा बाकी जो स्प्रिट्स थे वो भी उसे दबाने लग गए जिनको कोई चीज पता ही नहीं है एंड आई डेंट वेट ऑनेस्टली मेरे को नहीं था कि मैं टेलीविजन पे बात निकालू बट थिंग्स वेंट डाउन रियली बैड लाइक सचिन की हालत वहां पे बहुत खराब हो, हो चुकी थी एंड सचिन वहाँ पे प्रॉपरली तो वहां पे उर्फी मैम आजमी की दिग्विजय यू हैव समिंग टू एड ऑन बिकॉज देन यू की मेरे कुछ ऐसी बातें पता है इनके बीच की तो देट लाइक like, दो तीन बार मुझसे पूछा एंड देन आई सेड की ऐसा ऐसा हुआ था एंड ये जो बोल रही है

ंग वेरी स्मार्ट वो वोमेन गार्ड खेल रहे थे कि एक लड़की को रुला दिया तुमने लड़की के साथ ऐसा कर रहा है लड़की का ये किया वो किया अरे पहले सचिन रोया था सचिन वहां चेयर से उठ के भागा था एंड रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड वो आ, शायद उतना दिखा नहीं है बट उ, उसने इतनी जोर से में अपना फेस्ट मारा था वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और इतना टाइम तक वो रोया था यू नो एपिसोड होता है एक घंटा एक घंटा दस मिनट मैक्सिमम बट सिर्फ आकृति सचिन का जो सीना वहां पेट फॉर अराउंड वन एंड हाफ टू ईर टू आवर्स

आपको क्या hmm. are you guys friends now, है? है? या फिर तो पहले जो rivalry वाली बात है कि भाई कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि मेरे अंदर या उसके अंदर इतना गुस्सा क्यों था यू नो रोडीज में हमारी कुछ सोशल मीडिया फाइट ने काफी चीजें डाली मेरे बारे में फिर मैं भी बोलता था जो मुझे ठीक लगता था एंड आठ महीने तक हमारी स्प्रिट्स आने तक कोई पर्सनल कभी बात नहीं हुई तो कभी कोई कॉल नहीं कोई टेक्स्ट नहीं नथिंग एंड एक कुछ कमेंट किया हुआ था मैंने कहीं उसके बाद उसका एक नीचे कमेंट था कि मैंने कुछ कमेंट किया था लाइक उससे रिलेटेड कुछ चीज थी उसपे एंड ही वाज लाइक कि कुछ लोग यहाँ कमेंट सेक्शन में ही पड़े होंगे और जहां मैं हूंगा वहां पहुंच नहीं पाएंगे तो दैट रिली ट्रिगर्ड में कि भाई ये इतनी गई इसकी ईगो बूस्ट और इतना गया हवा में है हाँ कि भाई ये इसको लग रहा है कि मेरा स्प्रिट सुहा होगा ही नहीं है सिर्फ अकेला जाएगा या ऐसा ऐसा कुछ तो फिर कहीं कही ना कहीं हो सकता है वो वहां मुझे डोम में देखे स्टार्टिंग में ट्रिगर हुआ और वो सारी चीजें इतनी ज्यादा हुई एंड शो में इट वॉज लाइक स्टार्टिंग में बताता हूँ फॉर फर्स्ट फर्स्ट फ्यू डेज वीक्स के लिए इट वॉज लाइक स्पेशल ध्यान रखा जाता था कि शिविर तरह में अलग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और खाना खा रहे हैं या फिर इवन अगर ट्रेवलर है जिसमें सारे बॉयज ट्रेवल करते थे उसमें भी हम अलग जाते थे तो इट वॉज नॉट यू नो फेक की भाई लड़ाई चल रही है ऐसा हो रहा है इट वॉज इट वेंट रियली डाउन लाइक like, बहुत बहुत सिचुएशंस हो होगी थी वहां पे स्पेशल रखा जाता था कि दिग्विजय दूर रहेंगे वरना कुछ भी हो सकता है एंड शो के बाद वो आगे तक गया है एंड रोडीज और स्प्रिटसुला हमारे ही शो है लाइक like, हम हम शिवेत और दिग्विजय कोई नहीं जानता था एक साल पहले रोडीज और स्प्रिट्सुल्ला की वजह से इनको जानते हैं एंड अगर वो स्प्रिटसुला में कोई चैलेंज हारता भी था ना तो आई यूज टू फील बैड या तू तो रोडीज करके आया यार तू तो कैसे हार सकता है तो वो शो वगैरह कंप्लीट हुए उसके बाद हमारी यू you नो know, अभी ऐसा कुछ ज्यादा बातचीत नहीं होती है बट कभी कुछ काम रिलेटेड काम रिलेटेड या कुछ ऐसी बात होती है तो पंद्रह बीस पच्चीस दिन में एक कॉल एक्सचेंज हो जा हो जाता है ऐसा कोई वो नहीं है

अगर मुझे मेरे साथ कोई बुरा करेगा आई गिव इट बैक डेफिनेटली बट यू नो डेज वो शूट एनवायरमेंट में रह के धीरे धीरे चीजें थोड़ी थोड़ी मेलोडाउन होने लग जाती है बट जब दोबारा वेन यू सी ऑन टेलीविजन की भाई uh, क्या शो में एक्चुअली चल रहा था ये पीठ पीछे ये बोल रहा था देन यू गेट ट्रिगर्ड अगेन कि भाई ये क्या बोल रहा है यार और ये यहाँ पे ऐसी बात क्यों कर रहा है तो फिर दोबारा वो गुस्सा आता है एंड फिर उट ऑन ऑनलाइन या फिर वो मेरे बारे में बोलता रहता है बट इनफैक्ट अब ऐसा हो गया uh, तीन चार वीक्स इनफैक्ट प्रिंस भाई ने लाइफ हमें लिया था और बोला था कि भाई, अब लड़ाई वगैरह बंद करो हो गया शो वगैरह कम्प्लीट हो गया तो उसके बाद से, I never him, मैंने उसको कुछ नहीं बोला है इट्स बिन टाइम लाइक अब अब ऐसा कुछ मेरी साइड से नहीं हो रहा है बट वो अभी भी अपने ब्रॉडकास्ट में डालता रहता डालता रहता बट मैं कहता हूँ तू कर ले भाई जो करना है <laughs> तेरा जो चिल्ला तू कर मैं अब थोड़ा शांत हो गया हूँ मैं अब चिल्लाऊ तो देख विजय इफ यू हैड टू नेम अ फेक कपल या जो कैमरा के लिए मेजरली चीजें कर रहा है हु वुड यू नेम आई फेल्ट आकृति जशवंत मतलब लाइक like, मतलब जशवंत इज अ नाइस गाय बट वो आकृति से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो के चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं एंड फेक का पलट पता नहीं ऑनेस्टली मतलब जो शो में देखा मैं वो बता रहा हूँ बाहर आगे पता नहीं उनकी क्या इक्वेशन है आई डों फिर मैं किसी और से भी कोई इन फोन फूड नहीं लेता हूँ जो बातें चलती रहती हैप्पी आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ तो आई फेल्ट की वो कहीं कही ना कहीं फेक कर रहे थे क्योंकि मैंने टी वी पे भी देखा लाइक आकृति स्क्राइंग मतलब वो ऐसा नाटक कर रही है लाइक एक डेट नाइटी थी उस पर मैंने उसको भेजने भेजा नहीं था लव टेन की बात हुई थी जब एंड उसने मुझे डेट पे नहीं भेजा बट

ये ये बातें ऑनेस्टली मुझे फिर छोटी लगती है कोई मुझे कुछ बोल रहा है कोई स्माइल कितनी बोल रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आई नो मेरी स्माइल कितनी अच्छी है या नहीं है और अगर नहीं भी पसंद किसी को कोई बात नहीं मुझे स्माइल करना अच्छा लगता है मैं हंसूंगा इवन इफ तुम मुझसे झगड़ लो तुम मुझे मारने आ जाओ मैं मतलब उस टाइम स्माइल इसलिए निकलती थी कई बार जैसे कोई आ रहा है पोक करने सामने से लाइक मारने पीटने पर रहे थे लोग तो उस टाइम में स्माइल इसलिए करता था कि भाई

Uh, मेरा कोई ऐसा बॉन्ड नहीं था आई फील की स्टार्टिंग दो चार दिन में दो तीन दिन में उनको मेरा नाम भी याद नहीं था बट धीरे धीरे जब चीजें टर्न uh, हुई तो आई फील की दे गुड ऑल्सो फील की भाई कौन यहाँ से मैं गेम दिल से खेल रहा और दिमाग से खेल रहा है एंड थ्रू आउट आई फेल्ट कि उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे एंड आगे भी आप शो में देखेंगे एक बहुत मेजर मोमेंट आएगा जो आई फील कि की सुला हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है एंड तक शो में

वो जो उनके जेस्टर्स थे ना मतलब वो एक बार आके अगर वहां पे पूछ भी लेते थे, थे ना कि यू आर फाइन तो दैट ऑनेस्टली क्योंकि वो इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में और वहां पे अगर आपको होस्ट ही पूछ लेगी इफ यू आर लेगीट मीनस अ लॉट एंड वो आधी चीजें ठीक कर देता था, था वहां पे इवन सनी मैम और तनुज तनुज सर सनी मैम तो तुकी थे ही इवन उर्फी लाइक शी लाइक सपोर्टेड मी अ लॉट मतलब ऐसे कि एक दिन हम शर्टलेस थे और मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा टैन हो रखा था तो शी वॉज लाइक क्यों तू सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहा है मैं कह नहीं कर रहा हूँ मतलब जल्दबाजी में रह जाता है तो, तो, तीन uh, तो, 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 तो तीन दो तीन दिन बाद शी सेंटमी सनस्क्रीन और लोशन तो दैट वॉज वेरी काइंड आई फील कि तीनों ही होस्ट बहुत ज्यादा स्वीट और बहुत ज्यादा प्यारे थे Lastly, any message for fans? <laughs> लाइक like, जितना मैं बोलू इनके लिए ना कम मैं क्योंकि इतने एडिट्स बनते हैं ना इतने एडिट्स, अम, मतलब मैं सारे देख भी नहीं पाता हूँ इस टाइम तो ऐसा हो गया कि हर दो मिनट में मुझे न्यू टैक आ रहा होता है कि एडिट बना वो एडिट बना मैं सारे देख भी नहीं पाता हूँ बट थैंक यू सो मच गायर शोइंग सो मच लव इवन रोडीज में मैंने यही बोला था कि भाई शो के अंदर शायद मेरा कोई नहीं था बट बाहर जो लोग प्यार देते हैं ना उससे दिल खुश हो जाता है कोई बात नहीं वो वहां पर इतना नेगेटिव इन्वायरमेंट रहता है वहां पर किसी ने साथ नहीं दिया इनफैक्ट स्प्लेट फिल्म बट रोडीज ने तो कोई भी नहीं था तो ये जो बाहर जो प्यार मिलता है ना मतलब इट फील्स कभी कभी अनरियल लगता है लाइक दो तीन दिन पहले रात को ही मैं बैठ के देख रहा था एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्या कर दिया है मतलब मैंने जो तो सिर्फ अपनी दिल की बातें करी हैं और जो मेरे मन में है मैंने वो बोला है कि कई बार लगता है मैंने क्या किया है टू डिजर्व ऑल ऑफ दिस फ्रॉम यू गाइज एंड इट मीन अ लॉट गाइज जेनली एंड कीप सपोर्टिंग एंड आई ट्राई माइ बेस्ट कि मैं कभी भी आप लोगों को यू you नो know, गुस्सा ना करूं एंड I'll keep trying my best and you'll enjoy, it, definitely. That was lovely talking to you, Dikvijay. Thank you so much. Same here. Thank you so much for having me, Radna.